सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। मैं जशन ठक्कर और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ TVS Apache RTR 200 जो FI E100 जो वर्जन है जो इथेनॉल पर रन करता है उसके बारे में। और दोस्तों ये जो बाइक अभी रिसेंटली लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी सिटीज़ में अभी तक आई नहीं है लेकिन जल्दी आ जाएगी शोरूम के अंदर, तो हम इससे वीडियो में मतलब इसी के बारे में बात करने वाले हैं और देखते हैं कि एक्चुअली इथेनॉल होता क्या है और इस बाइक के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशन है, सभी चीज़ जो हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो को स्टार्ट करने के बाद छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे छोटे डेली बेसिस पर ला देता हूँ। और दोस्तों आप साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की यूज़र आईडी जो है स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है और जो फॉलो लिंक है वो मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से आप जाकर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं इस इथेनॉल के बारे में कि एक्चुअली इथेनॉल है क्या और इसका क्या यूज़ है और क्या इसका डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल से अगर कंपेयर करें तो। तो दोस्तों जो इथेनॉल है ये एक टाइप का फ्यूल ही है लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं ये काफ़ी कम होते हैं अगर कंपेयर करें पेट्रोल और डीजल से तो। और इसी का रीज़न है कि इससे जो पॉल्यूशन है काफ़ी कम होता है और यहाँ पे इंडिया में आज के तरीके में पॉल्यूशन कंट्रोल करने की काफ़ी ज़रूरत है, इसी वजह से जो TVS ने ये बाइक निकाली है TVS Apache E100 RTR 200 जो है उसी के मतलब एक्चुअली ये बाइक जो है वही है RTR 200 ही है लेकिन इसके अंदर थोड़े से इंजन के जो चेंजेस है वो किए गए हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि लुक्स एंड डिज़ाइन में भी आपको इस बाइक जो है सेम RTR 200 जो FI वर्जन आता था पहले उसी की तरह जैसा दिखता है, फ्रंट पोर्शन भी सेम है, साइड जो लुक है वो भी सेम है, ऑलरेडी बाइक पूरी वही है लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंजन में चेंज किया गया है। इस बाइक का जो फ्यूल मैप है उसके अंदर चेंजेस किए गए, ऑब्वियसली पहले की जो बाइक थी वो पेट्रोल के लिए डिज़ाइन की गई थी, ये जो है ये इथेनॉल के लिए डिज़ाइन की है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इथेनॉल की, अभी आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि इथेनॉल अभी अवेलेबल है या नहीं और अगर इसको बाय करना है तो कैसे करना। तो दोस्तों अभी जो इथेनॉल है ये बिल्कुल अवेलेबल है लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसके जो पंप्स है अभी इतने सेटअप नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे जो है मिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि जल्दी से जल्दी जो इसके पंप्स है ये सेटअप किए जाएंगे और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जल्दी जो है इथेनॉल के पंप्स भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर अभी बात करूँ इथेनॉल के प्राइसिंग की तो अभी जो इथेनॉल का प्राइस है ये फिक्स तो नहीं है, वेरी करता है सिटी टू सिटी लेकिन एक अप्रॉक्स अगर बात की जाए तो 60 रुपीज़ पर लीटर के अंदर आपको जो इथेनॉल मिल जाता है। और यहाँ पे मिस्टर नितिन गडकरी ने एक और चीज़ कही थी कि यहाँ पे जब इथेनॉल के बाइक्स आ जाते हैं तो इथेनॉल की जो प्राइसिंग ये थोड़े से और भी कम की जाएंगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो इथेनॉल है ये 54 से 55 पर रुपीज़ पर लीटर के अंदर मिले। तो यहाँ पे जो है आपका इथेनॉल की प्राइसिंग जो है वो भी काफ़ी कम है अगर आप कंपेयर करते तो पेट्रोल से। और दोस्तों आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि ये इथेनॉल बाइक है इसका जो पावर ड्रॉप है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बाइक के अंदर थोड़ा सा पावर ड्रॉप किया गया है लेकिन इतना भी नहीं, एक इथेनॉल के हिसाब से इस बाइक के अंदर आपको जो है 20 PS का पावर मिल रहा है और मेरे ख्याल से 200 CC के इंजन के हिसाब से एक 20 PS पावर एक इथेनॉल इंजन के ऊपर काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों एक खास बात इस इंजन के अंदर कि आपको जो है ट्विन फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है, जो फ्यूल इंजेक्टर ये दो जगह से किया जाएगा इंजन के अंदर, वो एक स्पेशल बात है इस बाइक के बारे में। बाकी अगर दोस्तों इस बाइक के ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में 270mm का सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियर में 240mm का सिंगल डिस्क ब्रेक, और साथ ही साथ इस बाइक के अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा, जो कि मेरे सबसे काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल रहा है। और इसका जो फ्रंट व्हील है ये भी काफ़ी अच्छा है, 17 इंच का फ्रंट व्हील मिलेगा आपको, रियर भी जो है सेम 17 इंच का, तो व्हील्स के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स और रियर में मोनोट्यूब मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। और दोस्तों इस बाइक का एक छोटा सा लिमिटेशन ये है कि ये जो बाइक है अभी सभी सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट ये जो बाइक है सिर्फ 3 स्टेट्स में अवेलेबल रहेगी, एक तो है महाराष्ट्र, सेकंड है UP, थर्ड है कर्नाटका, तो ये 3 स्टेट है जिनके अंदर ये बाइक जल्दी आ जाएगी, लॉन्च तो हो चुकी है तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको ये जो बाइक है आपके शोरूम्स में देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो क्लेम की जा रही है 129 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि 129 किलोमीटर पर आवर, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी स्पीड है एक 200 CC इंजन के हिसाब से जो स्पेशली एथेनॉल पर रन करती है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं फाइनली इसके प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है पूना के अंदर एज ऑफ नाउ वो है 1,15,000 रुपीज़। सिटी टू सिटी थोड़ा सा वेरी करेगा और काफ़ी शोरूम में तो बाइक अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन जल्दी ही जल्दी आपको जो है ये बाइक देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल से TVS की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए।
और दोस्तों मुझे पर्सनली जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा लगा है। वैसे तो अगर आप देखो तो ये जो कॉन्सेप्ट है टीवीएस की तरफ से बहुत पहले जो है ऑटो एक्सपो में शोकेस हो गया था, लेकिन अभी जो है रिसेंटली ये बाइक मतलब लॉन्च हुए हैं 3 स्टेट्स के अंदर एज ऑफ नाउ। तो मेरे ख्याल से ठीक है, काफ़ी अच्छा है यार ये, जो अगर इथेनॉल वाली बाइक से अगर यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन जो है काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। और बस दोस्तों एज ऑफ नाउ एक छोटा सा वीडियो था मेरा टीवीएस अपाची E100 के ऊपर। अगर आगे मुझे कभी इसको टेस्ट करने का मौका मिलता है तो मैं आपके लिए एक डिटेल रिव्यू ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और हमारे चैनल अगर आप नए हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों मैं मिलूँगा आपको, मैं लगा दूँ मैं, तब तक के लिए बाय।